गोडसे को मुर्दाबाद बोली है, लेकिन इन्होंने इधर उधर की सारी बातें गिनाई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी और ये राम कदम जो है इन्होंने भी, लेकिन कन्हैया कुमार की इस बात का जवाब ना संबित पात्रा दे पाए थे और ना ये लोग दे पाए। पहले आप वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको। उसके बाद में सुधांशु त्रिवेदी को रोहन गुप्ता, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो किस तरह से उनकी धूल उतार रहे थे वो भी आपको दिखाऊंगा। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बात। अच्छा एक बात नहीं, कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद, जिसने हत्या की है गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है? किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतू मैमै नहीं कीजिए मेरे साथ। तुतू मैमै का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, दस सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। दस सेकंड सर, वो उधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कही है, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा हमेशा से? हमने कब कब गांधी बोलिए ना, हरा कहा, हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, गोडसे मुर्दाबाद आप बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद माइक लेकर बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया। गोडसे मुर्दाबाद आबादी नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद से संबंध नहीं। बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी, सस्पेंड हो जाइएगा। उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा, डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह नहीं, समाधान के लिए अपने मन से दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया? गोडसे ने क्या कार्य किया? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की है? वध नहीं किया, निंदनीय है। वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना? क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना? हत्या की है का विषय क्या? नहीं नहीं, मैं बोलवाता हूँ ना आपसे। ये देखिए, मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, आप मेरी उसी तरह से मेरी भी है। संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके, आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने बोलती बंद कर दी राम कदम की, और गोडसे के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी दुरंगा व्यवहार रखती है। ये अगली वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके आरएसएस के मुख्यालय हो, आरएसएस के ऑफिस हैं, ऑफिसेज हों, वहाँ सावरकर और गोडसे की पूजा ये लोग करते हैं, और दूसरी तरफ गांधी जी को भी जिंदाबाद और गांधी जी अमर रहे, गांधी जी को भी नतमस्तक होना इनको पड़ता है। चूंकि भारत के लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं और उनको मालूम है कि गांधी जी के खिलाफ, गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ अगर ये लोग गए तो इनकी क्या हालत हो जाएगी। बहरहाल बाप को मैं स्क्रीन पर आपके लगाता हूं, ये भी चैनल 18 की चौपाल का ही है। एक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के भी हालात खराब हैं। रोहन गुप्ता ने इसको ट्वीट किया है, गोडसे मुर्दाबाद करते हुए बचते बचाते हैं और खुद को राष्ट्रवादी कहलाते हैं। किनके बारे में कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में। ये कैसा राष्ट्रवादी है जो बापू जी के हत्यारों को गोडसा मुर्दाबाद भी नहीं कह पाते? आप ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो के बाद मैं आपको दो चार ट्वीट दिखाऊंगा और फिर आपको एक मिनट के अंदर ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर गोडसे मुर्दाबाद कहना इनको उलझन में क्यों डाल देता है। पहले आप वीडियो देखें, छोटा सा वीडियो ये देखें आप। गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए, देखिए बहस बहुत लंबी है। स्वामीनाथन कमेटी में अबे एमएसपी सोच से मत आइए, एमएसपी मत आइए, बिल्कुल बोलता हूं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, जवाब देने का मौका दीजिए। मुर्दाबाद बोलिए, देश की जनता के सामने बोलिए, सेडिशन की बात कर रहे हैं, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। राष्ट्रपिता की हत्या की, गोडसे मुर्दाबाद, पूरे देश की जनता बैठी है, एक बार बोल के दिखाइए सुधांशु जी, अगर आप में हिम्मत है। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि रगों में जो खून है आज भी अंग्रेजों के साथ इनके खड़ा हुआ है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बताइए एक बार, बोल के बिताइए मुर्दाबाद। थैंक यू, थैंक यू।
गोड से मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे। धन्यवाद रोहन, नहीं बोल पाएंगे आप। रोहन नहीं बोल पाएंगे आप, बोलिए मैं बोल दे रहा हूँ। गोड से मुर्दाबाद बोलिए आप, मैं बोल रहा हूँ, एक बार बोल दीजिए, बोलने को दीजिए रोहन, मुझे आने दीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने भी और डोहन गुप्ता ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोड से मुर्दाबाद कहने के लिए कहा, लेकिन ये नेता गांधी जी के बारे में बात तो करते रहे लेकिन गोड से को मुर्दाबाद इन्होंने नहीं बोला, चूंकि इनका चाल और चरित्र अलग है। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक या दो आप ट्वीट देख लीजिए, बड़े अच्छे ट्वीट हैं। इसके अंदर एक प्रोग्राम को जो एंकरिंग कर रहे थे वो अमन जो चोपड़ा है, जो नया जहरीला एंकर पैदा हुआ है गोदी मीडिया में, वो बैठा था। तो उसके बारे में लोगों ने क्या कहा वो सुन लीजिए। रजनीश नाम के एक व्यक्ति हैं, वो रोहन गुप्ता को ट्वीट करके रिट्वीट करते हैं। उन्होंने लिखा कि आपको इस बीच में एंकर से भी बुला लेना चाहिए था गोड से मुर्दाबाद, त्रिवेदी की तरह एक और संगी आप पकड़ लेते उसी वक्त। उसी वक्त एक और संगी पकड़ा जाता अमन चोपड़ा के रूप में, ये बोल रहे हैं कि एंकर से भी बोल देते कि आप बोल दो गोड से मुर्दाबाद, वो भी पसोपेशे पड़ जाता। चूंकि जो आका इन गोदी मीडिया को सींचने का काम करते हैं, और यदि ये गोदी गोड से मुर्दाबाद के एक दो प्रोग्राम चला दिए या इनके मुंह से निकल गए, तो इनकी वो जो सींचने वाला जो पानी इनको मिलता वो मिलना बंद हो जाएगा। आगे लिखते हैं ये कि उसी वक्त एक संगी और पकड़ लेते, चूक गए, अगली बार हाथ साफ कर लीजिएगा रोहन जी। ये इनके बारे में कह रहे हैं। ये किशन सिंह चौहान हैं, इन्होंने लिखा गोड से मुर्दाबाद सिर्फ देशभक्त ही बोल सकते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के मुखबिरों के वंशज नहीं बोलते। ये भी आपको मालूम है सावरकर के बारे में यही कहा जाता कि वो ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट था, मुखबिर था, माफी मांगने वाला वीर था, जिसको ये बड़े चाव से उसकी तस्वीरें लगाते हैं। और इनकी तस्वीरें लगाने के बाद गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उधर गांधी जी के भी आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। बहरहाल एक साहब हो रहे हैं राइस किंग, वो लिखते हैं कि बापू के हथियारों को मुर्दाबाद नहीं बोलने वाले वास्तव में देशद्रोही हैं, गोडसे को वही लोग महिमा मंडित करेंगे जो गोडसे विचारधारा से के नाजायज औलाद हैं। खैर ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल लोगों ने इस तरह की बातें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एक पटेल भाई हैं, वो लिखते हैं कि हमें आप पर गर्व है रोहन गुप्ता जी, ये संगी नहीं बोलेंगे, अब फिर आप डिबेट में जाओगे तो गोदी मीडिया के एंकर से भी कहिएगा कि गोड से मुर्दाबाद बोलें, उनसे भी कहने को कहिएगा। बीजेपी वाले बापू के हथियारों की पूजा करते हैं, गुड जॉब रोहन भाई सुधांशु को एक्सपोज करने के लिए। ये पप्पू जी बिहारी लिखते हैं। अब आपको मैं एक दो बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए गोडसे को ने गांधी जी की हत्या की, और अगर ये हत्या गोडसे ना करके कोई मुस्लिम व्यक्ति कर देता तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटने में लोगों की जाने नहीं गई हैं, हिंदुस्तान में वो मुसलमानों का हत्या एक ऐसा हत्याकांड हो जाता कि शायद हिंदुस्तान की तारीख में उससे ज़्यादा कत्ल गारत नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोडसे ने उनका हत्या की। अब गोडसे को भारतीय जनता पार्टी के लोग मुर्दाबाद क्यों नहीं